राजस्थान के पाली जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुजुर्ग महिला की हत्या कर उसका मांस खाता रहा सिरपरा युवक। पास से गुजर रहे बकरियां चराने वाले लोगों ने देखा तो होश उड़ गए। युवक का मुंह खून से सना हुआ था, सामने महिला की लाश पड़ी थी। लोगों को देख युवक भागने लगा, उसे दौड़ते हुए गाँव वालों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सेदड़ा थाना क्षेत्र के सरादना गांव की रहने वाली शांति देवी 60 वर्ष पत्नी नाना काठत रोज बकरियां चराने जंगल जाती थी। शुक्रवार को भी शांति देवी अपनी बकरियां लेकर कनक कॉलेज के पास बकरियां चरा रही थी। पास के खेत से ही उन्हें हरी सब्जी मिल जाती थी। सब्जी लेकर शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे लौट रही थी। अचानक जंगल में सामने एक युवक आया, उसने पत्थर से शांति देवी के सिर पर हमला कर दिया। शांति देवी बेहोश हो गई। इसके बाद सिर पर उसने कई बार वार किए, मौके पर ही शांति देवी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वहीं बैठकर बॉडी को नोच नोच कर खाने लगा। उसका मुंह खून से सन गया था। लोग सिलाए तो वो भागने लगा। करीब 1 किलोमीटर पीछा कर युवक सुरेंद्र को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि युवक का नाम सुरेंद्र है और वो मुंबई का रहने वाला है। उसका आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। शांति देवी की हत्या क्यों की, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। हो सकता है बचपन में या फिर अभी किसी 5-6 महीने के दौरान किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा। कई बार हम वैक्सीन नहीं लगा पाते हैं, उसने वैक्सीन नहीं लगा पाया होगा, उसकी वजह से उसको हाइड्रोफोबिया डेवलप हो गया। मुंबई से शिवपुरी आया था और कुछ फिल्म एसोसिएशन ऑफ मुंबई से रिलेटेड भी है, तो इन पॉइंट्स पे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल